नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशु त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग से। मित्रों, आज हम सर्वार्थ सिद्धि यंत्र के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि कई लोग आते हैं जीवन में जो अपने समस्याओं से परेशान हैं, चाहे वो आर्थिक समस्या हो। बहुत सी पत्नियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि मेरे पति मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है। वो रोज उतनी ही परिश्रम करते हैं लेकिन प्रतिदिन उनका दिन खराब ही जाता है, बनते बनते काम नहीं बनता है। आप इस यंत्र का प्रयोग करें और आपको लाभ जरूर होगा, लेकिन आपको हम जो विधि बताते हैं उस विधि का प्रयोग आप पहले करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। सबसे पहली चीज तो आपको यंत्र के विज्ञान के बारे में बता दें। जब मैं स्वयं अपने गुरु के यहाँ यंत्र के बारे में सीख रहा था तो मैंने जब यंत्रों को देखा और यंत्र सिंपली किसी बॉक्स में कुछ नंबर लिखे रहते थे या छोटे छोटे मंत्र लिखे रहते थे और ज़्यादातर यंत्र भोजपत्र पे कुछ विशेष स्याही के माध्यम से लिख दिए जाते हैं और आदमी के शरीर पर बांध दिए जाते हैं, वो कार्य करता है ऐसा लिखा हुआ देखा जाता है। ऐसा आप YouTube पे भी काफ़ी मात्रा में पाते हैं, लेकिन लोग उससे परिणाम नहीं पाते, मन में घोर निराशा आती है। यह बात मैंने जब अपने गुरुजी से पूछा, यह किताबें तो सुलभ हैं, हर आदमी इसको लिख लेगा, देख लेगा, कर लेगा, तब तो आसानी से लोगों की समस्या समाप्त हो जाती है। तो हमारे गुरुजी ने बड़े मुस्कुराते हुए हंसते हुए जवाब दिया कि बात तुम्हारी ठीक है, इसके पीछे कुछ आधार है, कुछ कारण है जिस कारण से सबका यंत्र कार्य नहीं करता, कुछ लोगों का ही यंत्र कार्य करता है। तो मैंने पूछा, गुरुजी आप इस रहस्य को हमसे बताएं। गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले अगर आप किसी यंत्र को बनाते हैं तो दो तरीका है। उसके लिए आपको यंत्र सिद्ध करने से पहले स्वयं एनर्जेटिक होना पड़ता है। तो मैंने पूछा, एनर्जेटिक का क्या तात्पर्य है आपका? उन्होंने कहा, एनर्जेटिक का तात्पर्य है आपने पीछे किसी मंत्र का विशेष तौर से अधिकतम जाप किया है। वो मंत्र चाहे जो हो सकता है, उन्होंने कहा आप बंगलामुखी का जाप किए हैं, गायत्री का किए हैं, किसी भी चीज का पहले से अधिक जाप किए हैं। एक पहली शर्त होनी चाहिए यंत्र बनाने वाली। दूसरी बात, यंत्र बनाने का एक शुभ समय होना चाहिए। तीसरी बात, यंत्र जो बनाया जा रहा है उस यंत्र की जो धारणा है वह शुभ होनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे यंत्र हैं, किसी को सम्मोहित किया जाए, किसी का नुकसान पहुंचाया जाए, जो नकारात्मक यंत्र है उनका भाव और प्रयोग सफल नहीं जाएगा, क्योंकि जो किसी को सम्मोहित करने के लिए यंत्र बनाया गया है, आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी कि कभी कभी जंगली कुछ ऐसे जानवर होते थे जो आम आदमियों को खाते थे, जब उनके सामने ऋषि पहुंचते थे तो ऋषि के चरणों में वह जंगली जानवर गिर जाता था, अर्थात नतमस्तक होता था, उनको कोई हानि नहीं पहुंचाता था। यहाँ पर जो उनका वशीकरण होता था वह शुभात्मक होता था, लोगों के कल्याण वाला होता था, तो वहाँ पर उनके पास एनर्जी भी होती थी और उनका नज़रिया भी अच्छा होता था, तो यह यंत्र अच्छे से काम करता था। अगर आपका मन किसी भी महिला या पुरुष के लिए पवित्र है, प्रेमपूर्ण है, तो आप मंत्रों का प्रयोग करिए, आप जरूर उसमें सफलता पाएंगे। लेकिन अनैतिक हो, नियति से और नियम से अलग हो, तो आप देखेंगे कि आप वही प्रयोग लगातार कर रहे हैं लेकिन उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो गुरु जी ने ये मोटी मोटी बातें हमको समझाई, लेकिन ओवरऑल जो हम आपको शेयर करते हैं, सबसे पहली या तो आपके पास पीछे काफ़ी मंत्रों की एनर्जी हो, या आपके पास कोई ऐसे गुरु हो, या आपके संपर्क में कोई ऐसा हो जिसने एनर्जी को एकत्रित किया हो,
उससे आप यंत्र बनवाए। आपकी शुभ नियत होनी चाहिए। यहाँ पर हम आपसे कहेंगे हमारे पास एक अच्छे यंत्र, सर्वार्थ सिद्धि यंत्र, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला यंत्र है। यह यंत्र एकदम सिंपल यंत्र है। भोजपत्र पे अनार की कलम से और चंदन की स्याही से लिखा जाने वाला यंत्र है और तांबे के बॉक्स में आप इसको बांधकर अपनी दाहिनी भुजा पे किसी कार्य के लिए जाए वह कार्य सिद्ध होगा। यह इतनी बात पुस्तक में लिखी है। इसके पहले जो संवाद हमने बताया यह बात किताबों में नहीं है, YouTube पे नहीं है। यह एक गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है। आपने जान लिया होगा सबसे पहले बात एनर्जी होनी चाहिए, शुभ समय होना चाहिए, शुभ नियत होनी चाहिए, तो ये सारे यंत्र काम करेंगे। आज यहाँ पर हमने केवल एक उदाहरण तौर पे सर्वार्थ सिद्धि यंत्र बताया। इसी तरीके से सम्मोहन, उच्चाटन, कार्य सिद्धि, सूर्य यंत्र, शुक्र यंत्र, बहुत सारे यंत्र हैं जिसकी चर्चा हम आगे आपसे करते रहेंगे। ज्योतिष पंचांग जो हमारा चैनल है उसका लक्ष्य है किसी भी विषय को हम तार्किक रूप से आपके सामने रखें, वास्तु से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित, या मुहूर्त से संबंधित या त्योहार से संबंधित। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप स्वयं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों को, मित्रजनों को सेंड करें, अर्थात शेयर करें। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।